तो भाई अभी हम इस गुफा में जाने की कोशिश करते हैं, कहाँ निकलते हैं। चलो भाई गुफा में प्रवेश करते हैं भाई। अभी मैं आ चुका हूँ राममढ़ी। तो ये नेचर के बीच में ये तापी मैया के किनारे ही ये मंदिर आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो आप भी देखना चाहते हो तो संडे पे टाइम एक्सपेंड करना चाहते हो तो राममढ़ी आ सकते हो। ये पीछे मंदिर दिख रहा है, वही मंदिर है राममढ़ी। तो पूरा एक्सप्लोर करके आप दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों सूरत स्टेशन से सिर्फ 10 किमी की दूरी पर ही ये राममढ़ी आया हुआ है। तो आप सूरत स्टेशन से सिटी बस पकड़ के आप आ सकते हो आसानी से दोस्तों। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गेट के पास में ही गाड़ी पार्क कर देनी है। यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी खासी सुविधा दी गई है। और गेट के अंदर से लेके जाके आप अंदर भी ग्राउंड है, अंदर भी पार्क कर सकते हो बाइक। तो चलो गेट से हम अंदर एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। तो यहाँ से गेट के पास से ही हम दर्शन करते करते आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट में आप लोगों को दर्शन होंगे गणपति बप्पा के। तो चलो दोस्तों आप भी दर्शन कर लो। और यहाँ पे ये भी हनुमान जी महाराज हैं, तो इसके भी दर्शन कर लो दोस्तों आप भी। तो यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं दोस्तों। तो हमें एक एक मंदिर के दर्शन करते करते आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ का जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मिनी गिरनार है दोस्तों। तो वो आप लोगों को एंड में दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे हमें गौशाला भी देखने को मिलेगी दोस्तों। और गुजरात की गिर गाय है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। श्री लाल बाबा राममढ़ी, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमें पहले भोलेनाथ के दर्शन होंगे दोस्तों। तो आप लोग भी दर्शन कर लो। और उसके बाद में रामापीर के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये भवानी माँ के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है गुरु गादी दोस्तों, तो इसके भी दर्शन कर लो आप भी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा भजन कीर्तन करने के लिए हॉल बना रखा है दोस्तों। भजन का प्रोग्राम वगैरह करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया होगा। और यहाँ पे ये कुछ भाविक भक्त आप लोगों को भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। Yeah.
15 से 20 मिनट बैठिए और अपना अच्छा टाइम निकालिए। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आनंद आएगा और अपने मन को एक शांति की अनुभूति होगी आप लोगों को देखकर। तो अभी हम जस्ट मंदिर के पीछे आ चुके हैं दोस्तों, जो हमारा मेन पार्ट है वो देखने के लिए। तो सूरत का मिनी गिरनर देखने के लिए आ चुके हैं दोस्तों। मंदिर आगे है और मंदिर के जस्ट पीछे ही मिनी गिरनर बनाया गया है दोस्तों। तो चौराहे में ही ये हमें नरसिंह मेहता की भव्य प्रतिमा देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो उसके बाद में हमें भोले बाबा के दर्शन होंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर लो दोस्तों। और मिनी गिरनर देखने के लिए एंट्री फीस है दोस्तों सिर्फ 5 रुपये। आप 5 रुपये में पूरा मिनी गिरनर घूम सकते हो, आपको जितना चाहे देखना हो देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो यही है मिनी गिरनार, तो इसको सूरत का मिनी गिरनार भी आप बोल सकते हो क्योंकि ये गिरनार की टाइप बनाया गया है। तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा दिखता है दोस्तों। तो अभी हम गिरनार के टॉन्च पे खड़े हैं और ये हमें ये मंदिर की छोटा सा मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ से नज़ारा देखो भाई, कितना अमेजिंग नज़ारा है। अगर आप भी राममाटी में दर्शन करने के लिए आते हो तो मंदिर के जस्ट पीछे ही ये मिनी गिरनार है, तो यहाँ की मुलाकात अवश्य लेना दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा। और अपने फैमिली को भी साथ में लाओ और मजे लो भाई। मंदिर के टॉप पे खड़ा हूँ दोस्तों मैं, तो मैं ऊपर से ये व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ दिखता है मिनी गिरनार भाई टॉर्च पे से, उसकी पूरी ऊंची हाइट पे से ये मैंने शूट किया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों सूरत में भी ऐसी जगह हो सकती है भाई, अगर आप खोजोगे तो बहुत सारी देखने लायक जगह मिलेगी आप लोगों को। भाई अभी हम इस गुफा में जाने की कोशिश करते हैं, कहाँ निकलते हैं, चलो भाई गुफा में प्रवेश करते हैं भाई। तो भाई इस तरह के झुक के थोड़ा जाना पड़ेगा आप लोगों को, तो ऐसा कुछ नज़ारा है गुफा में। तो थोड़ा गुफा में ही इस टाइप का स्पेस आता है दोस्तों। तो अंदर भगवान के कुछ फोटोस लगाए गए हैं गुफा में। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बजरंग बली और नीचे रामदेव बाबा का। तो ये कहाँ पे जाता है भाई, तो यहाँ पे भी विष्णु भगवान का फोटो है, देख सकते हैं दर्शन कर सकते हैं आप भी। और यहाँ पे भी आप लोगों के दर्शन होंगे। और यहाँ पे हमें भव्य जगन्नाथपुरी के दर्शन होंगे भाई,
ये तो पूरी गुफा में ही है, अंदर आप आना, अंदर आके आप भी दर्शन करना अच्छी तरह से। पूरी गुफा बनाई गई है भाई, हम अभी गुफा के अंदर है गिरनार के। मौजूद हूँ गुफा के अंदर, तो देख सकते हैं गुफा में इस तरह का बनाया गया है, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है। देख सकते हैं अंदर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, तो आप उसी के दर्शन कर सकते हो। और बाहर निकल, मैं यहाँ से आया था, पीछे ये सामने दिख रहा है वहीं से मैं आया था, और अभी हम उधर जाने वाले हैं। छोटे छोटे मूर्तियाँ लगी गई है, तो उसके दर्शन करते करते आप बाहर निकल सकते हो दोस्तों। ये पूरी गुफा के अंदर है जो फोटोज, साईं बाबा के, दशा माँ के, भोलेनाथ के, ऐसे कुछ फोटोज वगैरह लगाए गए हैं, तो आप उसी के दर्शन करके घूम सकते हो भैया। आप भी ज़रूर विजिट करना एक बार, बहुत ही अच्छी जगह है ये मिनी गिरनार। अचूक मुलाकात लेना भाई। तो अभी हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ निकलते हैं दोस्तों। तो ये भाई हम यहाँ निकल गए, और ये रहा अपना मिनी गिरनार दोस्तों। आप वो मुंह दिख रहे हो शेर का, उसमें भी, उसमें से भी आप अंदर जा सकते हो दोस्तों। राममाटी दर्शन के लिए आते हो तो यहाँ की मुलाकात लेना ना भूलना, सिर्फ 5 रुपये ही टिकट है, 5 रुपये टिकट निकल के आप अंदर आ सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जगह है। और ये पीछे पेड़ दिख रहे हो, उसके पीछे तापी मैया है, उसके पीछे तापी तट आ जाता है, तापी के तट पे ही है, सुंदर नज़ारा है भाई। तो ये भाई तापी मैया, तापी मैया के दर्शन कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो अभी साईं बाबा के दर्शन कर लो, शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं आप। जय श्री राम। रामाडी में दर्शन करके आएंगे तो हमें ये बाजू में ही आइसकॉन मंदिर दिख जाएगा, उसके जस्ट तट पे ही ये तापी मैया है, यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे तापी मैया के तट पे बैठ के आप अपना टाइम अच्छा निकाल सकते हो। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है, शांत एकदम, अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो और अच्छी तरह टाइम एक्सपेंड कर सकते हो दोस्तों। तो आप भी आ सकते हो भाई, बहुत अच्छी जगह है, नेचर के बीच में, तापी मैया के तट पे ही है, तो एक बार ज़रूर मुलाकात लो। तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे मेरा भाई।